से शेयर कर रही हूँ इनसाइड वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल। और ये प्रोडक्ट मैंने इसलिए चूज किया है क्योंकि ये बहुत रिजनेबल प्राइस में मुझे मिली है एंड बहुत सारे यूट्यूबर्स ने इसकी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल शेयर की है, तो सोचा मैं भी शेयर कर लूँ एंड देखूँ कि ये प्रोडक्ट कैसी है। और इसकी रिव्यू बहुत अच्छी है गाइज, मैंने देखा था, तो आज मैं इसे अपनी फेस पे अप्लाई करने वाली हूँ। एंड इसकी प्राइस जो स्टार्ट होती है 99 से स्टार्ट होती है एंड 150 तक मैक्सिमम जाती है। एंड सारी प्रोडक्ट बहुत अच्छी है, कुछ कुछ प्रोडक्ट ऐसी है जो नहीं है, बट कोई बात नहीं, इसी से मैं काम चला लूँगी। एंड अगर आप मेरी ये स्वेट शर्ट की बात करो तो ये मैंने मीशो से लिया था एंड जो ये नेकलेस है ये भी मैंने मीशो से लिया था और ये बहुत प्यारी है। इसकी भी प्राइस 150 कुछ ऐसी थी, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी गाइज इसके लिंक। एंड विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए वीडियो पे चलते हैं। बट वीडियो पे जाने से पहले प्लीज गाइज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दे और वहाँ पे एक छोटी सी बेल आइकन है उसे भी हिट कर दे ताकि आप मेरे कोई वीडियो मिस ना कर सको। फर्स्ट अपने फेस में मैं इनसाइड की मेकअप फिक्सर अप्लाई करूंगी जो लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, आपकी मेकअप को रखेगी एंड नॉट स्टिकी है एंड इसकी फ्रेग्रेंस भी इसमें दी गई है। एंड इसकी प्राइस जो है वो 170 है, बट मुझे मैंने ये नायका से लिया था सारी प्रोडक्ट और ये मुझे डिस्काउंट में मिली थी 150-125 ऐसी कुछ मिली थी। एंड इसकी जो एक्सपायरी डेट है वो 09/24 है, तो आराम से इसे 2 साल यूज कर सकते हो। तो फर्स्ट मैं अपनी स्प्रे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। इसकी स्मेल है गाइस, बहुत अच्छी स्मेल है, देख सकते हो इतनी अच्छे से ये साइन प्रोवाइड कर रही है। इसे मैं थोड़ी सी टैप टैप कर लेती हूँ ताकि ये एब्जॉर्ब हो जाए। एंड मेरे पास इनसाइड की ब्लेंडर नहीं है क्योंकि मैं ली ही नहीं, मुझे पता भी नहीं था कि इसकी ब्लेंडर भी आती है। देन मुझे बाद में पता चला कि हाँ इसकी ब्लेंडर आती है, कोई बात नहीं। देन इसके बाद में इनसाइड की प्राइमर अप्लाई करूंगी अपने फेस में जो 3-in-1 है, प्राइम करते हैं आपके फेस को एंड प्रोटेक्ट एंड मॉइस्चराइजर है, तो बहुत अच्छी है, मॉइस्चराइजर क्रीम की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड इसकी जो पैकेजिंग है वो स्विस ब्यूटी की टाइप की है एंड ऑयल फ्री है एंड 30 ml है। एंड इसकी प्राइस जो है वो 250 है, बट ये भी मुझे डिस्काउंट में मिली थी, मुझे याद है 190 कुछ ऐसे में मुझे मिली थी, तो शायद मैं मिस्टेक कर रही थी कि ये 150 तक ही मतलब इसकी प्राइस है, बट इस 300 तक इसकी प्राइस जाती है। और ये भी 24 तक है इसकी एक्सपायरी डेट, आराम से आप यूज कर सकते हो। एंड देखते हैं कैसे पोर्स को ये फिल करता है, यहाँ पे लिखी हुई है इसकी जो पैकेजिंग है वो पूरी आपकी स्विस ब्यूटी की जो आती है ना प्राइमर उसी की जैसी है। तो मैं इसे अपने फिंगर पे लेकर, ये जेल फॉर्म में है, पूरी फेस पे अप्लाई कर लूंगी। एंड ये मतलब मुझे स्विस क्यों लग रहा कि मैं स्विस ब्यूटी की प्राइमर अप्लाई कर रही हूँ, क्योंकि पूरी वैसे ही प्राइमर है। देन अब देख सकते हो मैं प्राइमर अच्छे तरीके से लगा ली हूँ। इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई करूंगी और फाउंडेशन मेरी जो है वो लिक्विड फाउंडेशन है, लॉन्ग वेयर है, SPF 15 है, तो सनस्क्रीन की भी उतनी ज्यादा जरूरत है नहीं, लाइट वेट है, वाटर प्रूफ है, सिल्क एंड स्मूथ कवरेज देती है, मीडियम फुल कवरेज है, इसमें लिखी हुई है कि मीडियम कवरेज ही आपको प्रोवाइड करेगी और लॉन्ग लास्टिंग आपके मेकअप को रखने वाली है। एंड इसकी जो शेड है वो 02 रोज बिज है, देखती हूँ इसमें शेड ज्यादा वैसे था नहीं। और ये आप देख सकते हो कुछ इस तरीके की इसकी बॉटल है, चलो वो सिरप मिलती थी ना उसी टाइप की इधर है, देख सकते हो ड्रॉप टाइप की, थोड़ी सी मुझे क्यों ठीक लग रही है, बट मैं एक बार इसे चेक कर लेती हूँ। विंटर तो ज़्यादा लग ही नहीं रही है, क्या पता हो सकता है विंटर की वजह से ये ऐसी हो गई हो। है कि नहीं कि ये आ ही नहीं रही है, कोई बात नहीं। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से मैं इसे ब्लेंड कर रही हूँ, ये ब्लेंड तो हो रही है। हाँ लिखी हुई है कि वो मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करेगी, तो हाँ ये मीडियम कवरेज प्रोवाइड कर रही है। ये आपके अगर डार्क स्पॉट वगैरह है तो ये वैसे हाइड नहीं करने वाली, देख सकते हो आप,
कवरेज मुझे अच्छी लगी। ये होता है ना, कैमरा में पता नहीं चल रहा है बट ये पोर्स वगैरह ये हाइड नहीं करेगी। जैसे यहाँ पे मेरी थोड़ी सी डार्क है स्किन, तो ये आप देख सकते हो ये वैसे हाइड नहीं की है, बट हाँ मीडियम कवरेज आपको प्रोवाइड करेगी और अच्छी लगेगी आपके फेस में। नेक्स्ट इसके बाद मैं कंसीलर अप्लाई करूंगी, और कंसीलर के लिए मैं इनसाइड की मेकअप एसेंशियल कंसीलर ले रही हूँ, और जिसकी प्राइस है 100 रुपीज, जस्ट 100 रुपीज इसकी प्राइस है। और ये भी आप आराम से 24 तक अपने फेस पे लगा सकते हो। एंड इसकी जो डिस्क्रिप्शन में लिखी हुई है वो है कि आपकी डार्क सर्कल को हाइड करेगी, एज स्पॉट्स को हाइड करेगी, लार्ज पोर्स को हाइड करेगी। आप इसे अगर आप फाउंडेशन नहीं भी लगा रहे हो और आप कंसीलर सिर्फ यूज कर रहे हो तो आराम से कर सकते हो, इसमें ऐसे कुछ नहीं है। एंड ब्लेमिशेस की जो है आपकी अगर प्रॉब्लम है तो वो भी हाइड करेगी। चलिए देखते हैं। और इसकी जो शेड है वो NC1 है, और कुछ तो इसमें दी नहीं गई है। तो इसकी एक और कंसीलर आती है जिसमें सारी कलर वाली होती है, ग्रीन कलर, वाइट कलर, वैसे टाइप की, मुझे वो लेनी थी बट मैंने ये लिया। कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट अगर इसकी वन ब्रांड मेकअप ट्यूटोरियल करूँगी तो मैं वो यूज़ करूँगी। कुछ इस तरीके से है, येल्लो टोन पे है ये, तो मैं फिंगर की हेल्प से, बहुत थिक है ये, फिंगर की हेल्प से मैं अप्लाई कर रही हूँ। आप चाहो तो ब्रश की हेल्प से कर सकते हो, ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से कर सकते हो, बट मैं फिंगर से कंफर्टेबल फील करती हूँ, बट मैं फिंगर से प्रिफर कर रही हूँ करना। एंड यहाँ पे मेरी पिगमेंटेशन है, मैं वहाँ वहाँ पे भी अप्लाई करूँगी। जैसे यहाँ पे मेरी, मैंने थ्रेडिंग कराया है तो उसकी वजह से यहाँ पे पोर्स बहुत ज़्यादा हो गई है, बहुत ज़्यादा नहीं हो गई है, मतलब एक दो हो गई है, तो वही प्रॉब्लम हो रही है। आईब्रो की उसमें प्रॉब्लम नहीं हुआ बट यहाँ पे वाली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई। कोई बात नहीं, कभी कभी हो जाती है। यहाँ पे ट्राई कर लूँगी एंड ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे ब्लेंड कर लूँगी। ठीक है, बट ये ब्लेंड अच्छे से हो रही है गाइस। बस ये आपको लगाने टाइम थोड़ी सी थिक लगेगी, लेकिन ब्लेंड बहुत अच्छे से हो रही है, आप देख सकते हो। मैं बहुत इजीली इसे ब्लेंड कर रही हूँ, कुछ वैसा मतलब होता है ना कि अगर थिक लग रही है लगाने में तो वो ब्लेंड अच्छे से होती नहीं है, बट ये बहुत अच्छे से ब्लेंड हो रही है। एंड कवरेज आप देखो गाइस, कितनी अच्छे से ये हाइड कर दी। फाउंडेशन तो इतनी अच्छे से हाइड नहीं की है बट कंसीलर जो है वो बहुत अच्छे से हाइड कर दी, देख सकते हो आप। देन आप देख सकते हो मेरी बेस कितनी अच्छे से ये रेडी हुई है, कितनी अच्छी लग रही है। मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी अच्छी मुझे प्रोवाइड करेगी बेस, बट बहुत अच्छी लग रही है गाइस। एंड इसमें आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप फाउंडेशन ज़्यादा लगा लो, मतलब एक होता है ना कि अगर डार्क स्पॉट है या कुछ प्रॉब्लम है फेस में तो फाउंडेशन हम लोग दो कोट लगा लेते हैं, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, आप आराम से इसे लगा सकते हो। एंड कंसीलर बहुत ज़्यादा अच्छी है, मतलब बहुत अच्छी मुझे लगी। देन इसके बाद मैं इनसाइड की मेकअप एसेंशियल कॉम्पैक्ट पाउडर लूँगी जो SPF 24 है, और आप एक चीज़ देख सकते हो इसमें SPF दी गई है, तो आप इसे आराम से डे टाइम भी यूज़ कर सकते हो, और फाउंडेशन तो आप कर ही सकते हो डे टाइम यूज़, ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत लाइट है इसलिए आप यूज़ कर सकते हो। देन इसकी जो शेड है वो नेचुरल बीज है, क्योंकि मैं फाउंडेशन के हिसाब से मैं ये कॉम्पैक्ट पाउडर ली थी। एंड पैकेजिंग पिंक कलर में है, बहुत अच्छी लग रही है, देख सकते हो आप, बहुत प्यारी है। एंड इसके साथ आपको ब्लेंड करने के लिए भी दिया गया है पाउडर, इसके साथ क्या नीचे में कुछ है, नहीं यही है आपको साथ। एंड ये गाइस देख रहे हो आप, ये निकल गई, ये पसंद नहीं आई मुझे ये कैसे निकल गई। देन कोई बात नहीं, मुझे पाउडर से कॉम्पैक्ट पाउडर चाहिए था तो ये ठीक है ना। जहाँ जहाँ पे मैंने कंसीलर अप्लाई किया था बस वहाँ वहाँ पे मैं अप्लाई कर लेती हूँ कुछ इस तरीके से, क्योंकि मेरे पास ब्लश नहीं है। इसकी ब्लश थी कि नहीं वो मुझे नहीं पता, मुझे याद नहीं आज इसकी ब्लश है कि नहीं। देन इसके बाद मैं आई मेकअप करूंगी, और आई मेकअप के लिए मेरे पास अभी फिलहाल ये है जो मल्टी यूज लूज आई शेडो है इनसाइड की, और इसकी प्राइस है 125, और इसे आप आराम से 24 तक यूज कर सकते हो। एंड जो मेरी शेड है वो 03 चेरी वुड है, थोड़ी
सारी से ही लोगे तो आराम से वो आपके आई मेकअप अच्छे से हो जाएगी। बट इससे पहले मैं लिपस्टिक जो है मेरी नॉन ट्रांसफर लिप कलर इनसाइड की और जो मेरी शेड है वो 12 रेड रूम है, तो मैं क्या करूँगी इसे अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी क्योंकि और कुछ वैसा ये में था नहीं। इसलिए कलर देख सकते हो गाइस, ये दिखाती हूँ इस टाइप का कलर है, तो मैं इसे हल्का सा अपनी फिंगर में लेके अपनी आईलिड पे अप्लाई करूँगी कुछ इस तरीके से। तो मैं ज़्यादा नहीं, बहुत हल्का सा लेकर मैं अप्लाई की हूँ। देन इसके बाद मैं शिमर अप्लाई करूँगी इसकी, एंड इसके साथ आपको खोल दी गई है उसी से आप निकाल कर अप्लाई कर सकते हो। इसकी यही खराबी है कि बहुत ज़्यादा निकल जाती है, जिससे मैं थोड़ा सा रख लेती हूँ। देन बहुत ज़्यादा गिर गई थी, कोई बात नहीं अभी ठीक आई है। इसके बाद मैं इसे अपनी फिंगर की हेल्प से अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से। एंड इसके बाद मैं ब्रश से हेल्प से इसे अच्छे से ब्लेंड कर लूंगी ताकि कोई भी हार्श लाइन ना दिखे, क्योंकि हार्श लाइन दिखती है तो आपकी आई मेकअप इतनी ज्यादा अच्छी नहीं लगती है। एंड मेरे पास मतलब आईलाइनर मैंने ऑर्डर नहीं किया था, तो मैं काजल से ही आईलाइनर लगाऊंगी। तो इसकी जो प्राइस है वो 120 है, एंड ये भी आप 24 तक अप्लाई कर सकते हो, एंड आप इससे स्मोकी आई भी कर सकते हो, कैट आई भी कर सकते हो, सॉफ्ट स्मोक भी कर सकते हो, अरेबिक भी लगा सकते हो। मतलब ये काजल भी यूज हो जाएगी, आईलाइनर भी यूज हो जाएगी, एंड इसके साथ आपको शार्पनर प्रोवाइड होती है जिससे आप अच्छे से शार्प कर सकते हो, कुछ इस तरीके से है। इसे मैं काजल भी अप्लाई करूंगी एंड लाइनर भी अप्लाई करूंगी। अप्लाई करती हूँ, पहले मैं काजल अप्लाई कर रही हूँ। अब इसी से मैं लाइनर भी ड्रॉ करती हूँ। आप देख सकते हो गाइस, डार्क ब्लैक है, अच्छी है, मुझे इसकी काजल पसंद आई। एंड आप अगर इसकी आईलाइनर नहीं लेते हो तो इससे आराम से अप्लाई कर सकते हो, देख सकते हो। एंड थोड़ी सी मैं इसे ब्लेंड कर दी हूँ। इसके बाद मैं मस्कारा अप्लाई करूंगी, और मस्कारा मेरे पास है वो परफेक्ट मस्कारा है, अल्ट्रा कर्ल करता है, देखती हूँ करता है कि नहीं। एंड इसकी प्राइस जो है 125 है, और इसकी भी एक्सपायरी डेट 24 है। तो चलिए इसकी पैकेट, वाओ पैकेजिंग देखिए गाइस, कितनी प्यारी है ये। तो अप्लाई करके भी देखती हूँ अच्छी है कि नहीं। आप देख सकते हो गाइस, इतनी अच्छे से ये कर्ल हुई है, इसकी प्रोडक्ट कितनी अच्छी है। देन मस्कारा हो गई है मेरी। आईब्रो के लिए मेरे पास वैसा कुछ है नहीं, तो मैं काजल से ही हल्का हल्का आईब्रो फिल कर लेती हूँ। बहुत ज्यादा ब्लैक है, मुझसे हो ही नहीं रहा, इससे बस थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। एंड इसके बाद मेरी ये सूख गई है मस्कारा, मतलब है ही नहीं है इसमें, इसे मैं बस सेट कर लेती हूँ, देख सकते हो इसमें है नहीं, बस सेट कर लेती हूँ। और इसी मैं अगर कहीं जाती हूँ तो मैं इसे सेट कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें कुछ है ही नहीं है, बस इसे सेट हो जाती है अच्छे से। इसके बाद ब्लश की टाइम आती है, एंड मेरे पास इसकी ब्लश है नहीं, तो मैं लिपस्टिक से ही ब्लश अप्लाई करूँगी। और मैं क्या करूँगी, जो मैं लिपस्टिक अपनी आईलिड पे अप्लाई की थी उसी से मैं यहाँ पे हल्की सी ले रही हूँ, एंड यहाँ पे डैप डैप कर रही हूँ। देन इसके बाद मैं अप्लाई करूंगी कुछ इस तरीके से। लिपस्टिक से अगर आप ब्लश लगाओ तो वो नेचुरल लगती है, और विंटर में अगर आप लिपस्टिक से ही ब्लश लगाओ तो ज्यादा अच्छी है, क्योंकि पाउडर, कॉम्पैक्ट पाउडर उस टाइम हम लोग ज्यादा अप्लाई नहीं करते,
और आपने नोटिस किया होगा तो मैं चिक पे पाउडर अप्लाई नहीं की हूँ, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लिपस्टिक से ही ब्लश लगानी है, इसलिए थोड़ी सी मैं टिप्स पे अप्लाई कर लूँगी। देन आप देख सकते हो ये बहुत नेचुरल प्रोवाइड करती है। देन आप देख सकते हो ब्लश कितनी अच्छे से लगी है। और गाइस मैंने आईलैश लगा लिया है। देन आपको याद होगा कि मैं पर्पल से जो आईलैश ली थी जिसमें 10 आईलैश थी 599 में, वही आईलैश मैं आज लगाई हूँ और ये कितनी प्यारी लग रही है आप देख सकते हो, बहुत अच्छी है। देन लास्ट सेकेंड लास्ट आप बोलोगे इसे लिपस्टिक की बारी है। और लिपस्टिक में वही लिपस्टिक में एक ही लिपस्टिक ऑर्डर की थी जो मुझे लगा था ये लिपस्टिक जो है वो मेरी ब्लश में भी हेल्प हो जाएगी, आई मेकअप में भी हेल्प हो जाएगी इससे, तो मैं यही कलर ली हूँ इसलिए। और इसकी शेड तो मैं बताई थी 12 रेड रूम है, तो इसे मैं अप्लाई करती हूँ अपने लिप पे। लिपस्टिक भी डन है देख सकते हो। देन इसके बाद मैं सेम फिक्सर अपने फेस पे अप्लाई करूंगी ताकि ये लॉन्ग स्टे रहे। देन इसकी स्मेल है गाइस बहुत अच्छी है, मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। देन ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से डैब 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 ताकि ये सेट हो जाए। एंड दिस इज माय फाइनल लुक गाइस।